डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। अमावा ब्लॉक क्षेत्र के आतादन गांव में सदर विधायक अति सिंह ने अपनी मां वैशाली सिंह व छोटी बहन दिव्यांशी सिंह व समाजसेवी नीरज सिंह की टीम द्वारा अमावा ब्लॉक क्षेत्र के लालपुर रसेहता सिधौना अमावा गांव गुमान में लोगों के लिए आटा चावल दाल सब्जी और राहत सामग्री का वितरण किया गया। ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन परिवारों को उनके घर पर राशन उपलब्ध कराने की बात कही और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक समाजसेवी नीरज सिंह द्वारा जनता रसोई के माध्यम से उन गरीब महिलाओं पुरुषों झोपड़पट्टी मांगता बेड़िया के लोगों को राशन पानी भोजन की व्यवस्था कराने का संकल्प लिया गया है। वहीं सदर विधायक आदित्य सिंह ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को इस समय देश के साथ खड़े रहने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी क्षमता के अनुसार हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो संकट की परिस्थितियों में अपने आप को कमजोर समझते हैं। उन सब का ध्यान रखना जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस समय हम सब का मानवता के नाते यह धर्म है। जहाँ सरकार ने हम सब की रक्षा के लिए इतना कठोर निर्णय लिया है, वहाँ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार सरकार की मदद करें तथा मानवता को ध्यान में रखते हुए अपने हर उस भाई बहन का ध्यान रखें जिसको कोई परेशानी है। यदि हम यह करने में सक्षम रहे तो हम इस संकट की घड़ी को पार कर लेंगे। वहीं समाजसेवी नीरज सिंह ने कहा कि गरीब असहाय जरूरतमंदों को भोजन पानी राशन की व्यवस्था कराना हमारा पहला कर्तव्य है। इस मौके पर चंद्रमोहन त्रिपाठी, अखिलेश सिंह, कमल सिंह, राजन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, लल्लन सिंह, सरवन मिश्रा, वीरेंद्र सिंह, धीरज सिंह, दिनेश गोस्वामी, ऋषु मिश्रा, पुनीत मिश्रा, सूर्या, अनुज पांडे, सूरज सोनी, किशन पासी आदि लोग मौजूद रहे। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। रायबरेली में आज सदर विधायक अखिलेश जी को बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है। आप उनकी प्रेरणा से यहाँ रायबरेली में राशन वितरण कर रही हैं, तो आपका कार्यक्रम कब तक चालू रहेगा? जब तक लॉकडाउन है तब तक चालू रहेगा, है ना। कहीं कभी हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं उन इलाकों में जहाँ डेली कमाने खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, दिहाड़ी लोग ज़्यादा हैं, श्रमिक लोग ज़्यादा हैं, तो मेन फोकस वही है। क्योंकि जो किसान वर्ग है, छोटे से छोटे किसान पर इतना होता है कि वो कम से कम खाने लायक अपना निकाल लेता है, पर जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत समस्या आ जाती है। तो ये कार्यक्रम हमारा मतलब हमारे या तो हमारे माध्यम से या जो हमारे कार्यकर्ता और सारे सहयोगी लोग हैं उनके माध्यम से जब से कर्फ्यू चालू हुआ तब से चल रहा है और जब तक 14 तारीख 15 तारीख को जब तक खत्म होगा तब तक चलता है। अगर ऐसे में अगर कर्फ्यू बढ़ जाता है तो फिर क्या प्राथमिकता होगी कि राशन बराबर पहुंचता रहेगा? कर्फ्यू बढ़ेगा तो मतलब जाहिर है कि हम लोग को भी अपना कार्यक्रम जारी रखना पड़ेगा। हमारी तैयारी है कि यदि अगर कर्फ्यू बढ़ता भी है तो भी हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे जितना हो सकता है। अपनी जेब से ही कर रहे हैं तो जब तक हो सकेगा, जितना ऊपर वाले ने दिया है उतना अपनी जनता पे हम लोग का करना हमारा फर्ज है। और अगर हमारे पिताजी आज होते तो शायद हमसे दोगुना कर रहे तो उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम लोग भी जितना हमसे बढ़ पड़ रहा है अपना अपनी जनता का प्रयास कर रहे हैं। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।